नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश स्थित देश की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान देवबंद दारुल उलूम में हेलीपोर्ट बनने की सूचना पर स्थानीय जिला शासक अपने लौ लश्कर लेके पहुंचे हैं। हालांकि जांच के दौरान हेलीपोर्ट बनने की सूचना गलत साबित हुई। सर, आज आप कैसे आए हैं आप ये सब? देखिए, एक आरोप लगता रहा है कि देवबंद के दारुल उलूम जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, लाइब्रेरी जिसका बताया जा रहा है 40 की कब्जे की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक हेलीपैड का भी निर्माण किया जा रहा है। तो उस आरोप को देखने के लिए SDM देवबंद की तरफ से एक नोटिस यहाँ पर दी गई थी। इसका जवाब ये दिया गया कि यहाँ पर कोई हेलीपैड का निर्माण नहीं किया गया है और ना ही किसी ऐसी चीज़ का स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है जो आपत्ति। आज उसके इंस्पेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट टीम SSP और VW के लिए लोग यहाँ आना हुआ है और उसी चीज़ का इंस्पेक्शन हो रहा है। तो आज हम वही सर इंस्पेक्शन में क्या पाया कोई? फिलहाल इंस्पेक्शन तो अभी देखा है, PWD के इंजीनियर भी इसकी टेक्निकल रिपोर्ट देंगे और एक चीज़ तो बड़ी प्राइमरी फेस से क्लियर है, दैट द परमिशन इज नॉट बीन ऑब्टेंड। तो इस बारे में हम देखेंगे कि बिना परमिशन के इस तक काफ़ी बड़ा देखेंगे और परमिशन नहीं ली गई है तो उसके क्या वो किए जा सकते हैं ये देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मदरसे की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन है और इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं और उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने किसी भी हेलीपैड का निर्माण नहीं किया है। तो फ्लाई ओवर से ये दिखाई दे रहा है, उसको लेकर बताया जा रहा था कि दुर्घटना फ्लाई ओवर से दिखाई, चूँकि बड़ा स्ट्रक्चर है तो फ्लाई ओवर से दिखाई ही पड़ेगा, जबकि फ्लाई ओवर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। परमिशन नहीं ली गई है ये भी क्लियर है, क्योंकि अथॉरिटीज़ खुद भी कह रही है कि परमिशन नहीं लिया गया, इसलिए एक नियम के तो भंग हो रहे हैं, लेकिन हेलीपैड नहीं बनाया गया है ऐसा बताया गया है की तरफ से। अब टेक्निकल रिपोर्ट का आप इंतजार करेंगे, बात करेंगे। सर, आप संतुष्ट हैं, ये जांच आगे जारी रहेगी? बिल्कुल, अगर टेक्निकल रिपोर्ट गड़बड़ है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर टेक्निकल रिपोर्ट PWD की तरफ से क्लियर आती है तो उसके रास्ते हैं, रास्ता यहाँ तक कहता है कि अगर नियम के तहत परमिशन नहीं ली गई है तो फर्दर इसमें कार्रवाई की जा सकती है, नहीं तो कंपाउंडिंग की जा सकती है। अब देखते हैं उसके आगे क्या कहता है। फिलहाल तो चल रहा है, आपने बीच रोक लिया इसलिए हम यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बाद में आना। थैंक यू सर, दोबारा बात करेंगे। चलो, रास्ता चल।